नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। चाहे उन्होंने कहा है कि जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बिहार में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में नंबर वन है। 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, नीतीश थके हुए मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के लोग सत्ता में हैं और उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात भी कही। जो हम लोग सामने जो आए हैं, बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान है। बेरोजगारी में बिहार नंबर वन है, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में बिहार जो है पूरी तरीके से नंबर वन हो चुका है। और ये आंकड़े हमारे नहीं है, उसमें बकायदा क्विट में उसका जिक्र भी किया गया। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध में बिहार नंबर वन है, इन सारी चीज़ों में जब बिहार नंबर वन है और ये 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बिहार में भी, फिर भी लगातार जो है हर चीज़ में जो नकारात्मक चीज़ें हैं जिससे जनता को मुक्ति चाहिए उससे जो है मुक्ति जनता नहीं पा पा रहा। यानी नीतीश कुमार जी पे साफ इनके सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है और ये तो आंकड़े अब सार्वजनिक हो गए। अब कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन आंकड़ों को तो झुठलाया नहीं जा सकता। जो सच्चाई है उसको हमने बात को अपना रखा है और पूरी तरीके से हम बार बार देख रहे हैं नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया, इनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थके हुए मुख्यमंत्री हैं। जो भाजपा के लोग हैं ये लोग सत्ता के लोग भी हैं, इनको जनता से कुछ नहीं लेना देना, केवल अपने को सत्ता में बैठ के मलाई कैसे खाना है इन्हीं कामों में ये लोग लगे। तो पहले का ही मामला है भाई, वो तो प्रोसीजर होता है, चार्जशीट होता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट होता है, इसके बाद कोर्ट जो है समन करेगा, समन करा करके बिल लेना होगा। तो ये तो जो प्रक्रिया है ये तो है ही ना, इससे पहले भी कई बार किया गया। हालांकि न्यायालय का मामला जो है न्यायालय में रखा जाता है।